हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई वेलकम यू ऑल ऑन योर वीडियो जॉब अपडेट्स एंड प्रेपरेशन। सो आज मैं आपको एक जॉब अपडेट देने जा रहा हूँ। सो दैट इज़ रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर। एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर नॉन टेक्निकल जॉब अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सो टुडेज वीडियो इज़ रिगार्डिंग अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अकोला। अकोला एक जगह है महाराष्ट्र में। सो दिस इज़ द बैंक देयर। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क स्पोर्ट्स स्टाफ, इसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन इन्वाइट की गई हैं। ओके, आप इन बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, akoladccbank.com पर जाकर। ओके, एंड आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि एक्टिव हो, ठीक है। उससे आप रजिस्टर करेंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की, सो दैट इज़ 4th of September, ठीक है, और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 100, ठीक है। सो जूनियर क्लर्क स्पोर्ट्स स्टाफ की वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मे चेंज, बट यहाँ पर इतना रहेगा, ठीक है। एंड प्रोबेशन पीरियड में जो आपका सैलरी रहने वाला है, सो दैट इज़ 10,000 per month, ठीक है, और कन्फर्मेशन होने के बाद आपका जो सैलरी हो जाएगा, सो दैट इज़ अराउंड 25,000 per month। उसके अलावा जो भी आपके एलिजिबल पर्क्स और फैसिलिटीज़ होंगे वो आपको दिया जाएगा इसके अलावा। ओके, सो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, तो ये 31st of July तक होना चाहिए। तो ये सारा का सारा काउंट किया जाएगा कि सर फाइनल ईयर एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे पता है अगस्त स्टार्ट हो चुका है, तो आपका फाइनल जो सेमेस्टर है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपके पास सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास जो सर्टिफिकेशन कोर्स है और जो एक्सपीरियंस है वो 31st जुलाई तक है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया हो, मिनिमम 50% मार्क्स हो, ठीक है, एंड कोई भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट होना चाहिए। कंप्यूटर एलिजिबिलिटी, आपके पास डॉक अप्रूव्ड सोसाइटी से आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, ठीक है, ये लेवल्स दिए हुए हैं, CCCOAB, ठीक है, या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा और कंप्यूटर डिग्री हो आपके पास, ठीक है, और MSCIT ऑफ महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन बोर्ड मुंबई हो आपके पास, ठीक है। सो अदर क्वालिफिकेशन एज मेंशनड इन A2, ठीक है, ये जो कंप्यूटर एलिजिबिलिटी की जो क्वालिफिकेशन है ये जो मेंशन की गई हैं, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, रिलैक्सेबल है, ठीक है, ये आपको आपके पास नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है, बट आपके पास BCA, BCM, MCM, BE, BTech इन कंप्यूटर होना चाहिए, देन आपको ये कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर आपने डिग्रीज की हुई हैं, एज लिमिट सो दैट इज ऑन 31st of July। अदर एलिजिबिलिटी सो यू कैन चेक, ठीक है। तो मेनली है कि इसमें जो डोमिसाइल है, सो दैट इज ऑफ महाराष्ट्र, कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए उसके पास, तभी वो अप्लाई करे, ठीक है, एंड उसके बाद ये सारा सर्टिफिकेट वगैरह हो, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर और रूरल एरिया से रिलेटेड बैंक है, तो आपको रूरल एरियाज में भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है वो बताया हुआ है, 75% मार्क्स आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा ऑनलाइन उसको डेडिकेट किए गए हैं और 25% मार्क्स इंटरव्यू के लिए किए गए हैं, ठीक है। देन हाँ जी, मिनिमम 50% मार्क्स ऑन टोटल विल बी रिक्वायर्ड इन ऑनलाइन एग्जाम, तो मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए टोटल में, ठीक है, इन ऑनलाइन एग्जाम में, एंड इंग्लिश में होगा ये एग्जाम और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, क्लियर है। सो दिस इज द नेम ऑफ द टेस्ट, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर दिस, मैक्सिमम मार्क्स इज दिस, मीडियम ये रहेगा, ठीक है, और हर सेक्शन के लिए टाइम क्या रहेगा वो दे रखा है। तो 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, 150 मिनट्स, ओके, एंड सेक्शन वाइज रहेंगे आपके पास, टाइम लिमिट रहेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे फिल करना है सारा बताया हुआ है, फोटोग्राफ स्कैन करो, सिग्नेचर स्कैन करो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है आपको, ठीक है, ये है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है, तो ये फिल करना है आपको अकॉर्डिंगली, और जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव हो,
ठीक है, अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर, akoladccbank.com पर जाकर, ठीक है। एंड ऑनलाइन ही फीस पे करना है, कोई चालान नहीं करना है आपको ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो उसे क्रिएट कर लो पहले, फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। रजिस्टर कैसे करना है, जाओ यहाँ पर, मैं इसमें लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अकॉर्डिंगली न्यू रजिस्ट्रेशन करो। तो ये सारा प्रोसेस रहेगा, फिर पेमेंट करना है, सबमिट बटन दबाना है, तो वो सारा जो प्रोसीजर रहता है कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, वो ही प्रोसेस है। आप इस इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली दिस इज पेमेंट ऑफ फीस, फीस कितना है, फी चार्जेस, सो दैट इज ₹1000 इंक्लूड GST, ठीक है। तो कैसे आपको करना है, डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड पेमेंट है उससे कर सकते हैं आप। क्या साइज रहना चाहिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर का, वो इसमें बताया हुआ है। हाँ जी, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहने वाली हैं वो सारा बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम कॉल लेटर आएगा, डाउनलोड कहाँ से करना है, इसी लिंक से करना है जहाँ से फिल करोगे, वहीं से आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है, आपको ईमेल और एसएमएस भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी जो इसमें मेन था वो मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो महाराष्ट्र का, ठीक है। एंड अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन नहीं है तो, अगर उसने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर में या बीसीए किया हुआ है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर उसकी डिग्री है तो सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये सारे सेंटर्स रहेंगे महाराष्ट्र में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, 4 सितंबर लास्ट डेट है, एंड डेट की आपको टेस्ट की डेट मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में ही कह रहे हैं, बता देंगे सितंबर में ही होगा। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस के। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आप रूरल एरियाज में काम करने को तैयार हो। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द अपडेट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, 25,000 सैलरी रहेगी, प्लस उसके अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं बैंक की तरफ से वो रहेंगे आपके पास। आपके पास कोई भी ग्रेजुएट हो, ठीक है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन नहीं है तो अगर डिग्री है कंप्यूटर से रिलेटेड, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आपको पता है 150 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है, 150 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, 150 क्वेश्चंस हैं, और इंडिविजुअली ये सेक्शंस आपको क्लियर भी करने हैं, और इसमें जो पेनल्टी है, सो दैट इज़ ऑफ 1/4। सो आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द अपडेट फ्रॉम माई साइड। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।